हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज्ञान साधना प्रतिष्ठान परवनी। मैं डॉक्टर मणिशंकर कुमार, मैथमेटिक्स फैकल्टी हियर। स्टूडेंट, आपके लिए फाउंडेशन कोर्स में पहला टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेके आया हूँ। इसलिए लेके आया हूँ, आप टेंथ में पढ़ चुके हो, ठीक है? तो मैं वहाँ से दिखाऊंगा कि उसी में किस लेवल तक जा सकते हो और किस तरीके से मेंस के क्वेश्चन को अटेम्प्ट ले सकते हो, एडवांस के क्वेश्चन को अटेम्प्ट ले सकते हो, एनडीए के क्वेश्चन को अटेम्प्ट ले सकते हो, एससीआरए के क्वेश्चन को अटेम्प्ट ले सकते हो, मेनी मोर एग्जाम्स के क्वेश्चन को लेकर कैसे अटेम्प्ट ले सकते हो, ठीक है? तो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा टॉपिक है, कंडीशन ऑफ कोलिनियर। तो बड़ा ही सिंपल है स्टूडेंट, बट उस मेथड पे हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे कि लेट ए बी एंड सी आर पॉइंट विच इज कोलिनियर। क्या कह रहा है? तो कोलिनियर है, ठीक है, कोलिनियर है। देखिए द स्टूडेंट, हम ले सकते हैं कि ए बी और सी कोलिनियर, मतलब क्या होता है, एक ही पॉइंट पे लाई करना। और इस तरह से देखिएगा स्टूडेंट कि कंडीशंस हम देते जा रहे हैं, तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। ए बी आपका क्या है स्टूडेंट? तो कोलिनियर का कंडीशन है, एक कंडीशन है किसका? तो कोलिनियर का। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं ए सी बी, देखिएगा स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, एक्स वन बाई वन, एक्स थ्री बाई थ्री, और ये स्टूडेंट क्या है, तो एक्स टू बाई टू, ठीक है? तो अब इसमें क्या लिखोगे, किसी दो साइड का सम। देखिए ए सी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी, चलेगा स्टूडेंट? ए बी क्या है, कंडीशन ऑफ कोलिनियर है। अब स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं कि सी, चलिए एक्स थ्री बाई थ्री, अब यहां से स्टूडेंट मैं बात कर दूं ए एक्स वन बाई वन, और स्टूडेंट यहाँ पे भी है एक्स टू बाई टू, तो यहाँ से कंडीशन क्या लिखोगे स्टूडेंट, कि ए सी प्लस ए बी इक्वल टू बी सी। तो ये तीन कंडीशन है, यानी किसी भी दो साइड का सम तीसरे के बराबर हो रहा है, किसी दो पॉइंट के लेंथ, देख रहे हो ना, इतना प्लस इतना इक्वल टू टोटल लेंथ अगर बराबर हो रहा है तो वो कोलिनियर है, कोलिनियर है। तीनों डायग्राम में दिया गया, देखिए दिस प्लस दिस इक्वल टू होल, दैट इज कंडीशन ऑफ कोलिनियर, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, दैट इज कंडीशन ऑफ कोलिनियर, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान से देना कि जब आपके घर में मोबाइल आया तो पहले पहले आपके पापा ने लाया, लेकिन उस मोबाइल को ऑपरेट करने कौन सीखा, तो आप, क्योंकि आपके पापा आपको दिए नहीं थे। पूछिए इसका वजह क्या है स्टूडेंट्स, तो आपके अंदर इंटरेस्ट था, पापा लेट नाइट आते थे, आप जागे रहते थे, कोई ना कोई बहाना लेकर मम्मी पापा से मोबाइल दिलाओ, और पांच मिनट लेकर के आपका इंटरेस्ट था रेगुलर, वो पांच मिनट आपको एडिक्शन क्रिएट कर दिया, और वो इंटरेस्ट था मोबाइल के प्रति, एडिक्शन क्रिएट हुआ, आपने मोबाइल चलाने में परफेक्शन हासिल किया और आपने मॉम डैड से ज्यादा परफेक्शन हासिल किया। तो स्टूडेंट वो कब होता है, जब इंटरेस्ट है। तो आप वीडियो गौर से देखेंगे, बने रहेंगे और ज्ञान साधना प्रतिष्ठान को ज्वाइन कीजिए, बहुत ही आगे बढ़ेंगे एक साथ मिलकर। देखिए स्टूडेंट, कंडीशन ऑफ कोलिनियर है, तो ये बच्चों वाली है जो टेंथ में आई होप सीखे होंगे। अब देखते हैं कि इसको शॉर्टकट मेथड से कैसे करें, ठीक है? आइए, देखिए स्टूडेंट्स की अपना पॉइंट ए है एक्स वन बाई वन, बी है एक्स टू बाई टू, एंड सी है स्टूडेंट एक्स थ्री बाई थ्री, ठीक है? तो आपको सिंपल मैं बोल देता हूं, कंडीशन ऑफ कोलिनियर, ठीक है? तो आपको कुछ नहीं करना है, देखिएगा कि एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स वन,
बाई वन बाई टू बाई थ्री बाई वन इक्वल टू जीरो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये निकालेंगे कैसे, लाइक दिस, ठीक है। फिर स्टूडेंट ए हो गया, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स कि क्या लिखोगे, तो ए एक्स वन बाई टू प्लस एक्स टू बाई थ्री प्लस एक्स थ्री बाई वन माइनस क्या देंगे दोस्त, क्या देंगे, तो एक्स टू बाई वन प्लस एक्स थ्री बाई टू प्लस एक्स वन बाई थ्री इक्वल टू क्या, तो जीरो। अगर ए जीरो के बाद, ए वैल्यू जीरो के पास आ रहा है तो वो कोलिनियर है, या बोल दो ना यार एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर जीरो आ रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर जीरो आ रहा है तो वो कोलिनियर हो जाएगा। तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएगा दोस्त, वो कोलिनियर हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कीजिए, ठीक है, इसको नोट कीजिए स्टूडेंट्स। ठीक, चलिए बहुत अच्छी बात। तो देखिए स्टूडेंट इस पे हम छोटे क्वेश्चन नहीं लेंगे, हमारा एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स अपने पास, देखते हैं कि किस तरह से कर रहा है ना, कर रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड करने के लिए कर रहा है, ठीक है। और कर रहा है इफ के कॉमा के, ठीक है स्टूडेंट्स, टू कॉमा टू एंड फोर कॉमा फोर आर कोलिनियर, ठीक है, ये क्या है, कोलिनियर है। तो बच्चा हमने एक ही मेथड जाना है, एक ही मेथड जाना है के टू फोर के, राइट। अब स्टूडेंट्स ले लीजिए फिर से के टू फोर और के दिस इक्वल टू क्या है, जीरो। देखिए तो बच्चा दिस, ठीक है। तो अब ले लीजिए कि क्या ले लेंगे, टू के, ठीक है, क्या ले लिए, टू के प्लस एट और प्लस फोर के, चलेगा। अब हमारा दोस्त इसको इधर लीजिए, तो देखिए तो दोस्त माइनस क्या हो गया, माइनस क्या हो गया, टू के फिर स्टूडेंट एट प्लस फोर के, देखिए तो स्टूडेंट जीरो। यानी अब ये क्या कर रहा है, के बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी दुनिया का कोई भी रियल वैल्यू के लिए होगा तो ये पॉइंट क्या होगा, कोलिनियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा, तो ये कोलिनियर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक ना, चलिए बहुत अच्छी बात, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, है ना, चलो चलो देख लिया ना कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब स्टूडेंट फिर से कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ के, देखिएगा कह रहा द वैल्यू ऑफ के, ठीक है, इफ क्या कह रहा स्टूडेंट, इफ द पॉइंट्स, इफ द पॉइंट्स वन कॉमा टू थ्री कॉमा फोर बाई थ्री एंड स्टूडेंट क्या है के कॉमा माइनस फोर आर कोलिनियर, क्या है स्टूडेंट्स, कोलिनियर। द वैल्यू ऑफ के इच, पहला है स्टूडेंट्स 9, दूसरा है 19, तीसरा है 18, चौथा स्टूडेंट 20। देखिए कर रहा एक कोलिनियर है, क्या है, कोलिनियर है। तो अपन करना क्या चाहिए, खटाखट तीन पॉइंट्स है तो 1, 3 के 1 लेंगे। अब स्टूडेंट 2, 4 बाई 3 माइनस 4 और 2 ले लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है।
इक्वल टू जीरो देखना है, तो देखिए तो क्या हो गया, फोर बाई थ्री प्लस माइनस माइनस ट्वेल्व, क्या मैं राइट, माइनस ट्वेल्व प्लस टू के। अब स्टूडेंट्स माइनस आप लीजिए यहां से, ठीक है, तो लीजिए स्टूडेंट्स क्या हो गया सिक्स, ठीक है, प्लस फोर बाई थ्री के, ठीक है स्टूडेंट्स, और माइनस फोर इक्वल टू जीरो। तो देखिए तो स्टूडेंट एक क्या हो गया, फोर माइनस थर्टी सिक्स प्लस सिक्स के बाई थ्री, राइट, देखिए फोर माइनस थर्टी सिक्स प्लस, यहाँ से स्टूडेंट क्या ले लेते हैं, ए प्लस टू हो जाएगा, तो अपने पास सिक्स प्लस फोर के बाई थ्री इक्वल टू जीरो। अब स्टूडेंट ए माइनस थर्टी टू, माइनस थर्टी टू प्लस सिक्स के बाई थ्री, और माइनस सिक्स प्लस फोर के बाई थ्री, ए इक्वल टू क्या स्टूडेंट्स जीरो। अब ले लीजिए तो माइनस थर्टी टू प्लस सिक्स के माइनस सिक्स माइनस फोर के बाई थ्री इक्वल टू जीरो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब अपने पास देखिए कि कितना हो रहा है, थर्टी एट और प्लस टू के इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स के इक्वल टू नाइनटीन, कि क्या हो गया नाइनटीन। तो स्टूडेंट इस तरह के मेंस में और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है आपके क्वेश्चन उठाए जाते हैं, बट मेंस में नहीं है, बट इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट कीजिए, ठीक ना, नोट कीजिए। चलिए बहुत अच्छी बात, तो हमारा एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपके लिए एक क्वेश्चन है, होमवर्क में एक क्वेश्चन मैं देना चाह रहा हूं, ठीक है, आप इसको बना करके भेजेंगे, कमेंट बॉक्स करेंगे में डालेंगे, मैं आपको हाजिर होऊंगा नेक्स्ट क्लास में। देखिए स्टूडेंट्स कह रहा है, इफ ए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर 3.4 एंड 5.-2, ठीक है, अब कह रहा है फाइंड कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी इफ पी ए इक्वल टू पी बी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी इज 10 स्क्वायर यूनिट, ठीक है दोस्त। देखिए कह रहा है कि दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है, पी निकालना है, जहां पे कंडीशन पी ए इक्वल टू पी बी है। स्टूडेंट आप फाउंडेशन कोर्स में ज्वाइन कर रहे हैं, आप बनाइए ज्ञान साधना प्रतिष्ठान, ज्वाइन कीजिए और हमसे एक सिल्क, आप समझ रहे होंगे कि सिल्क क्या होता है, या आप चॉकलेट ले सकते हैं ना, वो भी आप 160 वाला, कितने वाला, 160 रुपए वाला। थैंक्स, बाय, हैव अ नाइस डे।